नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह निराला कंस्ट्रक्शन यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, डेली की भांति आज एक और वीडियो लेकर मैं आप लोग के लिए हाजिर हो गया हूं। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को कॉलम बनाने के रिगार्डिंग कुछ जानकारी देना चाहता हूं। बहुत सारे लोग जो कॉलम बनाने में अपने गलतियां कर बैठते हैं, उनके कारण जो उनका कॉलम होता है वो उतना मजबूत नहीं हो पाता है। इसलिए मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसके कारण आप पहले दिन का ढलाई और जो दूसरे दिन का ढलाई होता है उसको आसानी के साथ एक मजबूत बाइंडिंग के साथ रख सकते हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर प्लिंथ लेवल तक का जो कॉलम का कास्टिंग है वो कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद फिर बीम लगाया गया, इसके बाद फिर हमें कॉलम ढालना होता है। तो क्या किया जाए कि ये जो पहले वाला हमारा बीम है और ये जो कॉलम है इसके बीच में एक अच्छा बाइंडिंग हो जाए। मतलब पहले का डाला हुआ कॉलम उसके बाद का फिर कॉलम ढालने वाला जो कॉलम है उसमें एक अच्छा बाइंडिंग हो गया, तो क्या किया जाए कि उसका बीच का जो बाइंडिंग है वो बरकरार रहे, बाइंडिंग है वो मजबूत रहे। तो चलिए दिखाते हैं कि किस तरीके से आप इसे इस चीज़ को मैनेज कर सकते हो। डायरेक्ट मैं आपको साइड से दिखा रहा हूँ। देखिए, जो कॉलम स्टार्टर यहाँ पे बनाया गया है आप देख सकते हो, थोड़ा नज़दीक ले जाकर मैं आपको दिखाने का कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये जो कॉलम स्टार्टर बना हुआ है और इसके बाद का जो कास्टिंग हम लोग अभी करने वाले हैं, इस दोनों के बीच में एक अच्छा बाइंडिंग बन जाए, एक अच्छा बंधन बने, इसके लिए आप देखोगे कि कॉलम के बीचों बीच मैं आपको दिखा देता हूँ, लगभग 3 इंची बाई 3 इंची का यहाँ पे खाली जगह नज़र आ रहा होगा। इसका गड्ढा ही की बात कर ली जाए तो लगभग 1.5 इंची इसका गड्ढा रखा गया है। मतलब 1.5 इंची का जो कास्टिंग है उसे नहीं किया गया। इसी में आप चाहो तो ईंट या फिर लकड़ी का टुकड़ा रखते हुए इस जगह को खाली रख सकते हो। अगर आप उस जगह को खाली रखते हो तो जो आज का कास्टिंग है या फिर 2-3 दिन पहले का कास्टिंग है और जो बाद में आप कास्टिंग करते हो, इस दोनों के बीच का जो आप ऊपर से कंक्रीट डालते हुए कास्टिंग करोगे तो ये जो गड्ढा है वो कंक्रीट जाकर वहाँ पे फंस जाएगा। उसके कारण दोनों दिन का जो हमारा कास्टिंग होगा वो मजबूत होगा, दोनों में एक अच्छा बाइंडिंग, प्रॉपर बाइंडिंग हो पाएगा और जो आपका कॉलम होगा वो उसके मुकाबले ज़्यादा मजबूत होगा जबकि आप इसका सरफेस बिल्कुल प्लेन कर देते हो। कौन से यार मिस्त्री को देखो कि जो पहले दिन का ढलाई उसको ढलाई करने के बाद में 2-4 बार करने से इस तरीका से कर देते तो ये और प्लेन हो जाता है। तो आपको इस सरफेस को प्लेन नहीं रखना है बल्कि रुखरा रखना है ताकि अगला दिन जब आप ढलाई करोगे तो आसानी के साथ दोनों में एक प्रॉपर बाइंडिंग हो पाए। तो अगर पॉसिबल हो तो आप सिर्फ इस तरीका का गड्ढा ज़रूर दें, इसमें कुछ एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगता है, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए आप इस तरीका का गड्ढा है वो बना सकते हो कॉलम के बीचों बीच। तो दोस्तों, इस तरीका से आप पहले का जो कास्टिंग हुआ है मतलब ढलाई हुआ है और जो बाद का ढलाई होने वाला है इस दोनों के बीच में एक प्रॉपर बाइंडिंग बना सकते हो। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हर टाइप का वीडियो मैं आप लोग के लिए लाना चाहता हूँ घर बनाने से संबंधित। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले दीजिए इजाज़त। नमस्कार।